में दिखाया गया है और वो छोटा बच्चा जैसे कि जनरली बात हर बात के लिए अपनी माँ से फरमाइशें करता है, हर थोड़ी देर बाद में उसको कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो इस कविता में चांद और उसकी मम्मी का बहुत ही प्यारा सा वर्णन किया गया है कि चांद किस प्रकार जो है वो एक झिंगोला सिलवाने के लिए अपनी मम्मी से कहता है, क्यों कहता है, क्योंकि ठंडी रात में रात घर चलने के कारण उसे ठंड लगती है, इसलिए उसे झिंगोला होता है बेटा ऊन का मोटा कुर्ता उसे सिलवाना है। पर दिक्कत ये है, परेशानी है कि चांद का आकार हमेशा एक जैसा नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है। और ऐसा क्यों होता है, हम साइंस में पढ़ चुके हैं, अपनी पृथ्वी के घूमने के कारण, ठीक है, अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है जिसके कारण चांद का कुछ भाग दिखाई देता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और इस कारण चांद हमेशा एक जैसे आकार में नहीं दिखाई देता। तो उसकी माँ को परेशानी है कि बेटा तुम्हारा नाप जो है, मेजरमेंट किस दिन लूं कि तुम्हारा आकार तो एक जैसा रहता नहीं है। तो वो गुस्सा होता है, बोलता है अगर आप नहीं सिल सकते तो मुझे कोई भाड़े का या किराए का कुर्ता ही ला दो। तो पिछले वीडियो में हमने इस कविता के मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ा था बेटा, आज हम इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे, ठीक है। और पहला शब्द जो है हट, चांद जो है वो अपनी मम्मी से हट करता है, जिद करता है, जिसकी झिंगोला ऊन का मोटा कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। झिंगोला होता है बड़ा सा कुर्ता जिससे उसका पूरा शरीर कवर हो जाए और उसे ठंड ना लगे। जाड़े का होता है सर्दी, विंटर सीजन, ऊनी कपड़े जो होते हैं हम सर्दी के मौसम में ही पहनते हैं। अभी जो सीजन शुरू हो जाएगा ये किसका मौसम होगा बेटा, सर्दी का, ठीक है। और ऐसी गर्मी में हम क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़ों की जगह सूती व ढीले कपड़ों का प्रयोग करते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स का यूज करते हैं समर सीजन में, और विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो चांद को भी ऊन का एक मोटा सा कुर्ता चाहिए जिससे उसको रात को यात्रा करते समय, किसकी यात्रा करता है बेटा चांद, आसमान की, उसे ठंड ना लगे। चांद पता है अपनी मम्मी को कि कैसे वो ठंड से कांपना ठिठुर ठिठुर कर जो है अपनी यात्रा पूरी करता है, ठीक है बेटा। तो ठिठुरना शब्द का अर्थ होता है ठंड से ही कांपना, ठंड और कांपना दोनों शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, बिंदु के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अनुस्वार। नेक्स्ट वर्ड है यात्रा, सफर, ठीक है। चांद जो है वो किस तरीके से ठंड से ठिठुर कर काम कर अपनी यात्रा यानी सफर पूरा करता है भाड़े का। जब उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है आप सही कह रहे हो आपको ठंड लगती है, बट आपका आकार जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी आप बहुत छोटे होते हो, कभी आप बहुत बड़े होते हो, तो किस दिन में आपका जो है मेजरमेंट आपका नाप लूं, ये जो है, तो वो नाराज हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं अगर आप नहीं सिल सकते तो मुझे कोई भाड़े का यानी किराए का कुर्ता ही ला दो। नेक्स्ट वर्ड है जादू टोने, ठीक है। तो इस पर उसकी माँ बोलती है कि नहीं आपको नाराज नहीं होना, किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को, मैं जरूर तुम्हारे लिए ठंड से बचने के लिए कोई समाधान जरूर ढूंढूंगी। और इसके अलावा अपनी कविता में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चांद पर सर्वप्रथम इस कविता में चांद का वर्णन किया गया है, तो चांद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जो कि जीके का क्वेश्चन भी है कि चांद पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा था। तो सर्वप्रथम शब्द का अर्थ होता है बेटा सबसे पहले, सर्वप्रथम, सर्व यानी सबसे और प्रथम यानी पहले, सर्व में रीफ वाले रे का प्रयोग हुआ है यहाँ पर बेटा, इसको बोलते हैं रीफ वाला रे जिसमें रे आधा होता है, ठीक है, और प्र के नीचे पदेन रे का प्रयोग हुआ है, इसको बोलते हैं पदेन रे, ये रे पूरा होता है, इसमें प आधा है और रे पूरा है। सर्वप्रथम शब्द का अर्थ होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। आवश्यकता का अर्थ है जरूरत कि जब वो चांद पर व्यक्ति जाता है तो उसे किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जो एक स्पेस सूट होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, हर चीज के खाने की भी अलग से जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारी और साथ में रॉकेट होता है, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन भी आपके बॉय में पूछा गया है और दिक्कत का अर्थ था परेशान।
याद करने हैं।